श्री राम कृष्ण देव की वाणी, उसमें उसका संकलन किया गया है, उसका हम पाठ करेंगे। उसमें एक चैप्टर है गुरु के बारे में, उसी से पाठ करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। जब एक बड़ा भारी सहतीर पानी तर तैरता है तो उस पर पशु भी बैठकर आगे निकल जाते हैं, किंतु एक शड़ियल लकड़ी के टुकड़े पर यदि कौवा भी बैठ जाए तो वह उसको लेकर डूब जाती है। इसलिए प्रत्येक युद्ध में मानव जाति को शिक्षा देने के लिए भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं। एकमात्र सच्चिदानंद ही गुरु है। यदि कोई ठीक ठीक आंतरिकता तथा प्राणों की व्याकुलता के साथ भगवान को पुकार सके तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु साधारणतः हृदय की इतनी दिव्य व्याकुलता नहीं दिखाई देती, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे अंतकरण में भगवान के प्रति ठीक ठीक अनुराग उत्पन्न हो, उन्हें जानने की स्पृहा उत्पन्न हो, तो सद्गुरु से मिला देंगे, तुम्हें सद्गुरु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैद्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य रोगी की नाड़ी देखकर और दवा का नुस्खा दिखाकर दवा खा लेना कहते हुए चले जाते हैं, वे सब से अधम श्रेणी के वैद्य है। इसी प्रकार ऐसे अधम श्रेणी के आचार्य भी होते हैं, जो केवल उपदेश दे जाते हैं, किंतु शिष्य उनका पालन करता है या नहीं उस पर उनका परिमाण अच्छा हुआ या बुरा ये नहीं देखते। दूसरी श्रेणी के वैद्य वे होते हैं जो दवा देकर रोगी से उसे खाने के लिए कहते हैं। यदि रोगी दवा लेना नहीं चाहता है तो उसे समझाते बुझाते हैं, ये मध्यम श्रेणी के वैद्य है। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के आचार्य भी होते हैं, जो शिष्य को उपदेश देते हैं और उन उपदेशों के अनुसार चलने के लिए उसे नाना प्रकार से समझाते हैं। सेकंड, किंतु यदि दवा रोगी के मुख से बाहर निकल जाए, उसके पेट तक न पहुंचे, तो वैद्य क्या करेगा? ऐसी अवस्था में उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। उत्तम श्रेणी के वैद्य वे होते हैं जो यदि रोगी मीठी बातों से न माने तो उस पर बल का प्रयोग भी करते हैं। आवश्यकता होने पर वे रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती उसे दवा पिला देते हैं। इसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य या गुरु वे हैं जो अपने शिष्य के मन को भगवान की ओर लाने के लिए बल प्रयोग भी करते हैं। किसी नए देश में जाना हो तो ऐसे किसी एक व्यक्ति के दिशानुसार ही चलना चाहिए जो वहां रास्ता जानता है। बहुत सारे लोगों से पूछते रहने पर गोलमाल हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के निकट जाना हो तो उस एक ही गुरु का आदेश मानकर चलना चाहिए जो उस पथ को भलीभांति जानता हो। गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं भगवान ही गुरु है। यदि तुम गुरु वाक्य पर बालक की भांति विश्वास करो तो तुम भगवान को पा जाओगे। बालक का विश्वास कैसा तीव्र होता है। मां ने कह दिया यह तेरा भाई है, बस बच्चे को 16 आना विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति मेरा भाई है। फिर भले ही वह ब्राह्मण का लड़का हो
और वो व्यक्ति लोहार, मोती ले लो और सीप को फेंक दो। गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जप करने में मग्न हो जाओ। गुरु की मनुष्य सुलभ दुर्बलताओं की ओर मत देखो। कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करता हो तो उसकी बात कभी मत सुनो। गुरु माता पिता से भी बड़े हैं। यदि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता का अपमान करे तो क्या तुम उसे चुपचाप सुन लोगे? आवश्यकता हो तो लड़कर भी गुरु के सम्मान की रक्षा करो। विश्वास और श्रद्धा चाहिए। विश्वास में कितनी शक्ति होती है सुनो। एक आदमी को समुद्र पार करके लंका से भारत आना था। विभीषण ने उससे कहा, लो इस चीज को अपने कपड़े के एक छोर में बांध लो, इसके बल पर तुम सहज ही समुद्र पार हो जाओ, तुम पानी पर चल सकोगे। किंतु ध्यान रखो, इसे देखने नहीं जाना कि ये वस्तु क्या है, नहीं तो डूब जाओगे। निदान वह आदमी पानी पर बड़ी सरलता से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। विश्वास में ऐसा ही बल होता है। किंतु कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में कुतूहल हुआ, विभीषण ने मुझे ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक वस्तु दी है कि जिसके बल पर मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूं। उसने गांठ खोली और देखा तो उसमें केवल एक पत्ता था जिस पर राम का नाम लिखा था। उसने कहा, बस यही, और तत्काल ही वह डूब गया। कहते हैं कि राम के नाम पर विश्वास करके हनुमान एक ही छलांग में समुद्र लांग गए, किंतु स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाना पड़ा। सभी गुरु बनना चाहते हैं, किंतु शिष्य भला कौन बनना चाहता है? भगवान मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं और बात करते हैं, तभी मनुष्य को उनका आदेश प्राप्त होता है। ऐसे आदेश प्राप्त गुरु के वाक्यों में अद्भुत शक्ति होती है। वे पहाड़ों को भी हिला देने वाले होते हैं। कोरे भाषणों से क्या होता है? लोग दो चार दिन उन्हें सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। लोग कोरे शब्द को ग्रहण नहीं करते। गुरु विशाल गंगा की समान है। गंगा में लोग सारा कूड़ा करकट और गंदगी डाल देते हैं, किंतु उससे उसकी पवित्रता कट नहीं जाती। इसी प्रकार गुरु पर भी तुच्छ निंदा अपमान आदि का परिणाम नहीं होता। वे इनसे बहुत दूर ऊपर होते हैं। जो आचार्य होता है उसे बहुत सी बातें जाननी होती है। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार आदि की जरूरत होती है, किंतु स्वयं को मारने के लिए एक सुई या नहर ही पर्याप्त है। साधारण जीव दूसरों को शिक्षा देने के लिए देने से घबराते हैं। सड़ियल लकड़ी का टुकड़ा स्वयं किसी तरह पानी पर तैर जाता है, किंतु यदि उस पर एक चिड़िया भी बैठ जाए तो वह डूब जाता है। नारद आदि ऋषि बड़े भारी सहतीर के समान है, जो न केवल स्वयं ही जल पर तैरते हैं वरन मनुष्य गाय और हाथी तक को पार ले जा सकते हैं। अब हमने श्री रामकृष्ण देव की वाणी का श्रवण किया और अब श्रीमद् स्वामी परम श्रद्धेय श्रीमद् स्वामी भूतेशानंद जी महाराज की किताब है गुरु और मंत्र दीक्षा, उनके कुछ प्रवचन का इसमें संकलन है। इसमें गुरु के बारे में और मंत्र दीक्षा के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से उनका वर्णन है और उनका ये हिंदी रूपांतर की किताब है, बहुत सुंदर है। तो उसमें से हम कुछ पाठ करेंगे।
ये उन्हीं की वाणी है महाराज की, उन्होंने प्रवचन दिया है तो उसके वाक्य भी ऐसे ही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्त लोग अपने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस स्थिति पर व्यासदेव ने जन्म लिया था, अतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उत्तराखंड में मैंने देखा कि इस दिन प्रत्येक साधु अन्य साधुओं की गुरु रूप में पूजा करता है। बंगाल में इस पर्व को मनाने का प्रचलन नहीं था, परंतु आजकल देश में सर्वत्र ही गुरु पूर्णिमा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। प्रश्न उठता है कि व्यासदेव की जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया। संक्षेप में कहे तो वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से उपनिषदों के गहन तत्व आम जनता के लिए सहज रूप में प्रस्तुत किए, इसलिए वे गुरु रूप में पूजे जाते हैं। वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। फिर उन्होंने उपनिषदों के मूल तत्व को श्रृंखलाबद्ध करके ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। 18 पुराण की उन्होंने उन्हीं के द्वारा रचित कहे जाते हैं। गीता महाभारत का एक अंश है जिसमें सभी शास्त्रों के मूल तत्व सहज रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा एक संहिता भी है जिसके रचयिता वेद व्यास कहे जाते हैं, जिसमें हिंदुओं के आचार व्यवहार पद्धति का विवरण है। 19 संहिताओं में ये व्यास संहिता भी एक है। गुरु गीता में गुरु शब्द के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार की गई है। गुरु गु शब्दश्च अंधकारः स्यात् गुरु शब्दस्तन निरोधः अंधकार निरोधिता गुरुत्यत्त विधीयते। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, गु शब्द का अर्थ है अंधकार, गुरु शब्द का अर्थ है निरोधक। जो अंधकार या अज्ञान को दूर कर देते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। स्मृति में भी लिखा है स गुरुर्यः क्रियाः कृत्वा वेदस्मै प्रयच्छति उपनीय तद्दे आचार्यः स उदाहतः एक देश उपाध्याय ऋत्विक यज्ञत उच्यते एतत् मान्या यथा पूर्वे व्योह माता घरीयसी। गर्भदान से उपनयन तक संस्कार कराकर जो वेदाध्ययन कराते हैं वे गुरु अर्थात पिता है। जो केवल उपनयन संस्कार कराकर वेद पाठ कराते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। जो वेद के किसी अंश का पाठ कराते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं, और जो यज्ञ में सहायक होते हैं उन्हें ऋत्विक या आधुनिक भाषा में पुरोहित कहते हैं। इसी क्रम से ये सम्मान के भी अधिकारी होते हैं, और इनमें श्रेष्ठ स्थान माँ को दिया गया है। माँ से ही संतान की शिक्षा आरंभ होती है, अतः वे ही श्रेष्ठ गुरु है। तंत्र शास्त्र के अनुसार साधना करने वाले को तांत्रिक गुरु और पौराणिक पद्धति के साधना से साधना की शिक्षा देने वाले को पौराणिक गुरु कहते हैं। एक हो गए तांत्रिक गुरु, दूसरे हो गए पौराणिक गुरु। आगे चलकर ये ही वंशानुक्रम से गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए और ऐसी प्रथा बन गई कि कुल गुरु के अलावा अन्य किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता। इसका भला पक्ष भी है और बुरा पक्ष भी है। भला पक्ष यह है कि वंशानुक्रम से होने वाले गुरु शिष्य की वंश परंपरा से परिचित होते हैं, अतः शिष्य की योग्यता अनुसार शिक्षा देना उनके लिए सहज हो जाता है। और इस प्रथा में दोष यह है कि अयोग्य व्यक्ति भी परंपरा से गुरु पद पर आसीन हो जाता। अब समय हो गया। ओ
शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।